हेलो एवरीवन, मैं सशिकाल, अस्सलाम वालेकुम। चन्ना, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट ऑन फाइन। और ये बताना जरूरी, किस किस ने इस आवाज को मिस किया है? हाँ, इस आवाज मिस किया। बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं भाई पुराने चैनल पे, लेकिन वो बदकिस्मती से हैक हो गया ना, तो बट फिर गाइस आप हमारा साथ देना, हमें वैसी ही फैमिली यहाँ पे चाहिए। हाँ, सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे भी हमारी बड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करेंगे काम भाई करके इस देना। बार। हाँ, एंड आज की वीडियो होने वाली है शबे बारात, जो कि आने ही वाला है कुछ ही जी दिनों में। तो शबे बारात मतलब कि इस्लाम में ऐसा दिन माना जाता है कि जिस दिन फॉरगिवनेस का दिन होता है, मतलब कि जो ऊपर वाला हमारा खुदा है वो हमें हमारी गलतियों पे माफ़ करता है, अगर हम उस दिन सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। या ये टाइम होता है हाँ हमारे पास से एक। हाँ से एक टाइम होता है, एक मौका है, ऐसा माना जाता है इस्लाम धर्म में, और रोज़ा वगैरह रखा जाता है। सो फिलहाल आज की वीडियो होने वाली मौलाना तारिक जमील जी की, देखते हैं ये यस क्या कहते हैं इसके ऊपर, क्या है शबे बारात, क्यों हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हकीकत है इसके पीछे। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। 15 शाबान की रात में हमारे मुल्कों में, जो हमारे अजमी मुल्क हैं, इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीबोगरीब इबादात घड़ ली हैं, अजीबोगरीब उसके आमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से, और मस्जिदें भरी होती हैं और रोशनियाँ लगी होती हैं और वो आतिशबाजी हो रही होती है। मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया, जैसे यहाँ कोई सलात तस्बीह की जमात करा रहे होते हैं, कोई इज्तमाई तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, कोई देगें चढ़ा रहे होते हैं, कोई आतिशबाजी कर रहे होते हैं, तो वो उसमें इतना गुलू हो गया है कि ये भी ठीक नहीं। और कुछ उलमा ने उसके रद्द में इसका इतना इनकार किया है कि इस रात की कोई फजीलत है ही नहीं, ये भी ठीक नहीं। इस बीच का रास्ता, इस रात की फजीलत में जितनी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इतनी कसरत से हैं कि उन सब का मिलकर जमा होकर कम से कम वो हसन लगैर ही तक तो पहुंच जाती हैं। और इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने भी ये लिखा है कि ज़्यादातर से ज़्यादा इन अहादीस के मजमूए से, चूँकि अगरचे ज़ईफ़ हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हसन लगैर ही तक पहुंच जाती हैं। तो हसन लगैर ही से कोई अमल साबित नहीं होता, अमल साबित होता है सही हदीस के से। एक अहादीस की कसरत से रिवायात और एक उम्मत का अमल, कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सदियों से इस रात का एहतमाम कर रहा है, लेकिन कुछ अरसा पहले तक एहतमाम था दिन में रोज़ा रखना, रात को कोई नवाफिल पढ़ लेना, कोई दो चार ज़्यादा पढ़ लेना, लेकिन अब ये ढोल तमाशे जो अब शुरू हुआ है इसका तो कोई वजूद ही कोई नहीं है। तो इस रात को अल्लाह ताला ने मुबारक बनाया, और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है सिवाय 5 आदमियों के, 5 के सिवा सब अहले ईमान की बख्शिश हो जाती। मुशरिक, 5 आदमी, अल मुशरिक, पहला मुशरिक, दूसरा मुशाहिन। मुशाहिन कैसे कहते हैं? दिल में बोझ रखने वाला, कीना रखने वाला। तीसरा मुसबिलु इजारा, हो अपने पजामे शलवार चादर को टखनों से नीचे तक ले जाने वाला, लेकिन एक एक शर्त के साथ कि वो तकब्बुर की वजह से हो, सुस्ती की वजह से है, गफलत की वजह से है। चूँकि जब आपने एक मरतबा इसके बारे में बात की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरी चादर, अरब चादर बांधते थे, जैसे हमारे पंजाब का लिबास चादर था, अब वो कम हो गया,
हमारी तो बुज़ुर्ग औरतें भी और मर्द भी सब चादर बांधते थे, शलवार तो का तो किसी को पता ही नहीं होता था हमारे बचपन में। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तालीम आई तो शलवार देहातों में भी और शहरों में आम हो गई। तो अगर वो इसलिए लटका रहा है कि तबीयत में तकब्बुर है, फिर इस वईद का वो हकदार है। अगर वैसे उसकी नीचे जा रही है तो मेरा मालिक ऐसा, वो तो है ही रहीम व करीम, है ही रहीम व करीम, है ही रहीम व करीम। सिर्फ शलवार नीचे लटकाने से वो इतनी शदीद सजा दे, इस अगर उसके पीछे तकब्बुर है, फिर है ये तकब्बुर नहीं है तो इंशाल्लाह वो इससे महफूज होगा। तो अपनी चादर को लटकाने वाला, लेकिन बशर्ते तकब्बुर कितने हो गए, आकुन ले वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, नाफरमान ऐसा कि दुख देने वाला। छोटी मोटी ऊंच नीच तो हर बच्चे से हो जाती है, नहीं जिन्हें वालदैन को टुकड़े टुकड़े कर दिया हो और उनको दुख दे 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 के उनका सीना चीर दिया हो, चूंकि आप कहते हैं पुरजे पुरजे करना किसी चीज़ को, तो अपने दुख दे कर अपनी बदतमीजी के साथ उसने माँ बाप का दिल जख्मी कर दिया हो, एक ये नहीं माफ होता। पाँचवा मुदमिन खमरन, मुसलसल शराब पीने वाला, मुस्तकिल जो शराब का आदि हो, इन पांच को मुअख्खर कर दिया जाता है। माफ़ी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, माफ़ी ना होने का मतलब ये है कि ये पांच ऐसे गुनाह हैं कि इसकी वजह से बख्शिश रुक जाती है। अगर वो शिर्क से निकल आए, वो कीना से निकल आए, वो तकब्बुर से निकल आए, वो वालदैन की नाफरमानी से निकल आए, शराब छोड़ दे, तो इनकी भी बख्शिश हो जाती। जब कोई तौबा करेगा फौरन बख्शिश हो जाएगी, ना 15 शाबान की ज़रूरत है, ना लैलतुल क़द्र की ज़रूरत है, ना बैतुल्लाह जाने के साथ तौबा की शर्त है। जहाँ भी वो बैठ के तौबा करेगा, जिस लम्हे में करेगा, उसी वक्त उसकी तौबा कबूल होगी और अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। दिन का रोज़ा, रात का क़याम, ज़्यादा ज़्यादा इतना। क़याम से मुराद नवाफिल हैं, कोई घर में पढ़ ले, कोई मस्जिद में पढ़ ले। नवाफिल नफली इबादत घर में ही अफजल होती हैं। मेरे नबी सुन्नतें हमेशा घर से पढ़ के आते थे, तहज्जुद अपने घर में पढ़ते थे, मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, सिवाय एतकाफ़ के आप अपने नवाफिल सुन्नतें सब घर में पढ़ते थे और मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज आके अदा फरमाते थे। और उसके बाद बैठना होता था तो बैठ जाते थे, उठना होता था तो उठ जाते थे। तो एतदाल अल्लाह को हर चीज़ में पसंद है। दुनिया जो मुख्तसर है उसमें कैसे पसंद नहीं होगा। आखरत जैसे मामले में भी अल्लाह हमसे कह रहा है एतदाल उम्मतन वसाता। ऐसे ईसाइयों की तरह तर्क दुनिया भी ना करो, यहूदियों की तरह दुनिया के पीछे ना पड़ जाओ, हरिस के हलाल भी कमाओ, अपने बच्चों को भी देखो, अपने फ़राइज़ को भी देखो जो दुनियावी हैं, और अल्लाह से भी अपना मामला ठीक करो और दुरुस्त करो। बाद के ज़माने में सहाबा के बाद से ही एक इंतहा पसंदी उम्मत में आई, सारी सारी रात जागना। फलां बुज़ुर्ग थे, वो रस्से से अपने बालों को बांध लेते थे कि नमाज पढ़ते पढ़ते जब नींद आए और झटका लगे तो रस्से से बंधे हुए बालों से उस झटके से तकलीफ़ हो और उनकी आँख खुल जाए और फिर नफलों में शुरू हो जाए। एक फलां बुज़ुर्ग थे, वो अपने आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे ताकि आँखें बंद ना जल जाएं, वो उसमें वो जलन पैदा हो जाए और नींद उड़ जाए। ये इस ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। फलां बुज़ुर्ग थे,
उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। ये अपनी जगह पे बुजुर्गी है, लेकिन ये भाइयों ये दीन हम पेश नहीं कर सकते। फलां बुज़ुर्ग थे, वो 30 साल से सत्तू खा रहे थे कि रोटी खाने और सत्तू खाने में 70 दफ़ा सुभान अल्लाह का फ़र्क पड़ जाता है। तो रोटी खाएं तो 70 दफ़ा सुभान अल्लाह कम कह सकते हैं और सत्तू खाएं तो 70 दफ़ा सुभान अल्लाह ज़्यादा कह सकते हैं। तो लिहाजा उनका मुझे तो 30 साल हो गए, मैं तो सत्तू खा रहा हूँ, मैं तो रोटी नहीं खा रहा। ये दीन नहीं है, यानी ये वो दीन नहीं जो हम इंसानियत को पेश कर सकते। ये तो लोगों को दौड़ाने वाली बात, ये रहबानियत की शक्ल है। ये वो दीन नहीं जो हम लोगों को पेश करेंगे तो वो कहेंगे वाह 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 क्या दीन है भाई, कबूल करो। ये एक किस्म का गुलूव आया। मैं एक हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ में भी है, मुझे अब हर शय भूल गई, लेकिन वो है नहयुल गुलूव, इस तरह करके आप लोग ज़्यादा जानते होंगे जो पढ़ रहे हैं, कि गुलूव से नहीं। हदीस आपको सबको याद होगी कि 3 सहाबा आए अल्लाह के नबी के घर और पूछा कि अल्लाह के नबी रात कैसे गुजारते हैं। तो घर वालों ने कहा सोते भी हैं, जागते भी हैं, खाते भी हैं। तो वो तीनों आपस में कहने लगे वो तो नबी हैं, सोएं भी तो कोई बात नहीं, और शादी है कोई बात नहीं, हम तो नबी नहीं, हमें तो कुछ करना चाहिए। एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा। तो देखने में तो वाह वाह क्या बड़ी बुज़ुर्गी है भाई, बड़े बुज़ुर्ग हैं। हमारे नबी को पता चला, आपने तीनों को बुला लिया, कहा तुम मुझसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले हो, मैं तुमसे अना अतकाकुम या अख्शाकुम, अल्फाज आप लोग को ज़्यादा याद होंगे लेकिन मफहूम मैं सही पेश कर रहा हूँ। आपने कहा मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं छोड़ भी देता हूँ, मेरी बीवियाँ भी हैं, मैं अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ। तुम दीन में गुलूफ से बचो, पहले उम्मतों को हलाक कर लिया दीन में गुलूफ। दुनिया में गुलूफ यानी इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिस्ट होना, दुनिया हो या दीन हो दोनों में एतदाल बच्चों अल्लाह ताला को पसंद है। सो गाइस ये थी वीडियो शबे बारात का। इसको इस तरह जिक्र किया है कि शबे बारात में जो जो चीज़ें आप करते हो उनका तरीका आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है ना, कोई अपने तरीके से कर रहा है कुछ, कोई नया ट्रेंड लेके आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे नबी इस चीज़ को करते थे वैसे हम सबको करना है ना। सही बात है। और क्या बोलते हैं आजकल, मतलब कि उन्होंने यही चीज़ बताने की कोशिश करी है कि रोज़ा वगैरह तो चलो रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इन्होंने 5 वो चीज़ें बताई हैं ना, कि ड्रिंक वगैरह नहीं करनी, अपने वालिदैन पेरेंट्स को तंग नहीं करना है ना, उनको दुख नहीं देना है। तो कई होता है दुख भी देते हैं अपने पेरेंट्स को, या शराब शुरू पीते हैं वो पीते हैं, लेकिन फिर भी वो रोज़ा रखते हैं, उस दिन वो माफ़ी मांगते हैं। पर वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी, जो भाई चीज़ खुदा को पसंद नहीं है ना, शराब पीना या अपने पेरेंट्स को कोई तंग करे तो फिर वो क्यों माफ़ करेंगे आपको उस दिन पे? आप उस दिन आप तौबा कर रहे हो और उस दिन सही से रह रहे हो, लेकिन बाकी दिन आप ऐसा करते तो वो चीज़ नहीं चलेगी। तो ये शबे बारात और इसकी हकीकत, इसकी कहानी जो भी है पूरी की पूरी मौलाना तारिक जमील ने बताई है। एंड बाकी ऐसे ही अगर आप चाहते हो हम बयान वीडियो बनाए जो भी हैं तो आप हमें सजेस्ट करते रहना कमेंट्स में गाइस, सो बनाएंगे। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।